अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हम बनाएंगे तंदूरी क्रिस्पी चिकन। तंदूरी क्रिस्पी चिकन बनाने के लिए हमने लिए चिकन के लेग पीस, जिनको हम इस तरह से कट लगाए हैं कुछ इस तरह से। वो साथ ही हमने लिया है तंदूरी मसाला, सोया सॉस, सिरका, चिली सॉस, नमक, लाल मिर्च और 2 कप मैदा। सबसे पहले हम चिकन को इस बाउल में डाल देंगे। ये जी व्यूअर्स, ये तो हमने डाल दिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे सिरका तकरीबन 1 चम्मच, और साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे चिली सॉस तकरीबन 1 चम्मच, और इसके साथ हम डाल देंगे सोया सॉस तकरीबन 1.5 चम्मच। तकरीबन 1 चम्मच के बराबर नमक, 1/2 टीस्पून लाल मिर्च। ये तंदूरी मसाला है, ये 4 चम्मच हैं। इसमें आधा हम इसमें ऐड करेंगे और आधा जो है हम इसको मैदे के साथ मिलाएंगे। ये वैसे ही तो हमने डाल दिया, अब इसको करेंगे अच्छी तरह से मिक्स। इस तरह से अच्छी तरह से लगाएंगे मसाला इसको। तो व्यूअर्स, आप देख सकते हैं मसाला हमने इस तरह से लगा दिए। इसको हम रखेंगे 30 मिनट्स के लिए मैरिनेट करेंगे, इसके बाद इसको फ्राई करें। फ्राई करने के लिए हमने लिया है मैदा तकरीबन 2 कप है। इसके साथ हमने थोड़े से मसाले ऐड किए, तंदूरी मसाला हमने ऐड किए, और साथ हम लेंगे और लिए अंडे, 2 अंडे, ठीक है। अब इसे छोड़ देंगे आधा घंटे के लिए, आधा घंटे बाद इसको फ्राई कर लेंगे। जी तो अगर इसका आधा घंटा पूरा हो चुका है, अब हम करेंगे फ्राई। फ्राई करने के लिए हमने 2 अंडों को फेंटा है और मैदा जिसके साथ हमने मसाला मिक्स किया है। सबसे पहले 1 चिकन को उठाएंगे, इसको अंडे में डिप करेंगे, ठीक है। फिर मैदे में लगाएंगे इस तरह से, और फिर इसको अंडे में डिप करेंगे, और फिर दोबारा से इसको मैदे में लपेटेंगे, और फिर इसको डालेंगे ऑयल में। इस तरह से दूसरा भी ले लेंगे। इस तरह से ऑयल में डालते जाएंगे। और फिर इसको अंडे में डिप करेंगे दोबारा से, और फिर मैदा लगाएंगे अच्छी तरह से। तो वे आप देख सकते हैं इस तरह से हमें कर लेंगे फ्राई।
तो व्यूअर्स आप देख सकते हैं चिकन तकरीबन फ्राई हो चुके हैं, तो अब हम इनको निकाल लेंगे। तो इस तरह से बाकी के चिकन भी हम डाल देंगे। तो फिर इस तरह से हम सारे चिकन तैयार कर लेंगे। तो इस तरह से जो व्यूअर्स चिकन तकरीबन फ्राई हो चुके, तो फिर हमारा क्रिस्पी चिकन तैयार है। उम्मीद करता हूँ आज के वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर हो सके तो वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं फिर किसी अच्छे रेसिपी के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।